दोस्तों एक एक्साइटिंग बात आपको बता रहा हूँ कि हम लोग जो हैं बॉलीवुड के बहुत बड़े सिंगर जुबिन नौटियाल जी के गांव भी जाने वाले हैं। वो गांव भी दिखाऊंगा आपको मैं। काफी सुकून भरा माहौल। ये हमारी आरोही बड़ी प्यारी है, साथ में है मेरे तीन फ्रेंड। एक बात कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड में मैंने ऐसी रोड कहीं पर नहीं देखी। देखो आधी ऊपर बनी हुई है, आधी नीचे बनी हुई है। ये उत्तराखंड की सबसे यूनिक रोड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ आपको। तो ये दोस्त हमारे दो सहयात्री ये है। हेलो कर दो भाई कैमरे को। हेलो हाय। और एक सहयात्री जो मेरे साथ बाइक में आया था डांडा से, वो ये रहा। कहाँ गया? ये आ रहा है बाहर से। रमोला जी अपने बंकोला जी। दोस्तों ये है नैनबाग, सामने कंप्लीट ऑफ रोड हो चुका है। ये साइड से आप देख सकते हैं। और हमारे आज चालक महोदय हैं नरेश भाई। बिल्कुल ऑफ रोड के बिल्कुल ज्ञाता है ये पहले से ही। जो लोग लद्दाख में जाते हैं उन्हें पहाड़ों में आना चाहिए, जो नई नई रोड करती है इस तरह। हाँ, ये लद्दाख ही मानो, मिनी लद्दाख में जा रहे हैं। मैं लद्दाख में जा रहे हैं इस तरह की रोड है। और अभी कांडा ही पहुँच के आपको ग्रेविटेशनल पुल भी दिखाई देगा। ग्रेविटेशनल क्या? ग्रेविटेशनल पुल भी दिखाई देगा जहाँ पे गाड़ियाँ अपना आप चलती है उसकी ओर। हाँ, जैसे आप लद्दाख के आगे जाते हैं वहाँ पे भी है ना, मैग्नेटिक हिल है यहाँ पे भी। अब पता नहीं भाई लोग कंटेंट के लिए कह रहे हैं या एक्चुअल में है ऐसा। एक्चुअल में है ऐसा कुछ भी, कुछ भी। बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है वैसे आज। धूप तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है, बादल ही बादल है। और नैनबाग एक बार फिर से आपको व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ से देखिए, ये रहा आपका नैनबाग। ये सामने है नैनबाग तहसील। काफी सुकून भरा माहौल। दोस्तों एक एक्साइटिंग बात आपको बता रहा हूँ कि हम लोग जो हैं बॉलीवुड के बहुत बड़े सिंगर जुबिन नौटियाल जी के गांव भी जाने वाले हैं। वो गांव भी दिखाऊंगा आपको मैं। और रात लंबिया लंबिया। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं उभाव विलेज, जहां पे भंडारा है आज जेडी भाई का। सो यहां से पैदल है शायद 200-300 मीटर। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऋषभ भाई को तो प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा उसका वेट ज़्यादा पुट ऑन कर लिया उन्होंने। तो ये हम आ चुके हैं उभाव विलेज में। और ये रहा उभाव विलेज का बोर्ड। और ये तीनों सहयात्री मेरे एक साथ दिख चुके हैं अभी। ये है रमोला जी अपने ऋषभ भाई, और ये पीछे से आ रहे हैं अपने सबसे बड़े भाई नरेश भाई। और वैसे ही आज जो भी प्रोग्राम बना है ये इस भाई की जिद है। 9:40 में आ गया था उठाने के लिए घर पे ही, जिसके बाद फिर हमने रमोला जी को उठाया, तैयार करवाया। रमोला जी का होटल है डामठा में, लेकिन जो 11 बजे के बाद खुलता है। रमोला जी के होटल के सबसे फेमस है पराठे, जो मैं रोज खाता हूँ। पोस्ट बना रखा भाई इसमें देख। आज हमारा जो गांव में आने का जो रीजन है, क्यों है ऋषभ? ऋषभ बताएंगे। रीजन ये है कि जेडी भाई की हाल फिलहाल में नई जॉब लगी है, तो उन्होंने एक भंडारा रखवाया है इस गांव में। गांव में क्योंकि हम जेडी भाई जो हमारे एमसीडी में असिस्टेंट है, बड़े ही हसमुख स्वभाव के व्यक्ति हैं जेडी भाई, तो उन्होंने मंदिर है ऊपर वहाँ भंडारा रखवाया, तो हम वहीं जा रहे हैं आज। एक्चुअल में उनका नाम जयदीप है, तो जेडी हम बोलते हैं शॉर्ट में, जैसे उनका नाम आरसी बोलते हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है ये ऋषभ चौहान है, लेकिन अपने आप में एक सर्टिफिकेट है हम। और पीछे से एमआर भी आ रहे हैं, रमोहित रमोला जी एनसी गाड़ी के एनसी आरसी। ये ऐसे पुराने मकानों की छत होती है जो कुमाऊं में सारे मकान ऐसे होते हैं लगभग, जौनसार में भी ऐसे ही हो, तो अब एक ट्रेंड चला है चदरों का या नहीं मतलब उसका। तो इस तरह हम यहाँ पहुँचने वाले हैं, साथ में है मेरे तीन फ्रेंड। तो जहाँ हम जाने वाले हैं ये यहाँ पर काली माता का मंदिर है, जहाँ भंडारा रखा गया है। और मैं आपको यहाँ से अब कुछ व्यू दिखाऊंगा खतकोरू के, जो गांव है सामने। ये देख रहे होंगे आप, इधर है खाती और आपका गांगरों खाना खाती खुशियों। तो इधर 7 गांव कोरू जो पड़ते हैं इस बेल्ट में, और इसी के पीछे यहाँ पे उनका गांव है। हमारे जो गायक हैं जिनको अभी अवार्ड भी मिला आईफा अवार्ड, हमारे जुबिन नौटियाल जी, उनका गांव भी दरी है। दिख रहा है इसमें कुछ की नमस्कार, मैं आपका ब्लॉगर आपका भाई, हमेशा आपको कहीं नई जगह लेकर आता हूँ।
अभी मेरी एक सीरीज आने वाली है, वो भी आप देखें। सीरीज बहुत आती है मेरी, बेस्ट ऑफ फोर की सीरीज है। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, यहाँ पर पकवान बनता है। नमस्ते, ये है जेडी ऊपर जिसके सौजन्य से हम यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ मेहमान गण बैठे हैं भाई। नमस्ते, तो जेडी भाई पहुँच चुके हैं। ये अपने जेडी भाई, जेडी भाई अपने इन्हीं के भंडारा। बड़ी खुशी हुई कि रोहित एमसीडी में कार्यरत हैं इस टाइम पर दिल्ली। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। जल्दी शादी है इनकी, शादी की बधाई है। ससुराल भी बहुत नज़दीक है इनका यहाँ से। यहाँ पे बनता है भंडारे के लिए पूरियाँ और बाहर सब्जी बन रही है। तो भंडारे में मतलब गांव वाले सब मिलके काम करते हैं, इस तरह बहुत प्रेम प्यार रहता है। और यह पारस चाचा जी। बच्चे यहाँ पे भोजन ग्रहण करते हैं, सबसे पहले जिमाते हैं। देख सामने देख, किसका लगी है फोन देखती है। हाय कर, हाय करो, हाय नहीं करेगी। हमारे दादाजी लोग हैं। यह पारस छोटी दादाजी है सामने। अरे भाभी जी है, भाभी जी की गंभीर भाई हमारे साथ साथ आओ तभी तो दिखाऊंगा और क्या। जिनका बहुत बड़ा सहयोग है इसमें। जेडी तो कुछ नहीं करता है। ये तो ऐसे ही ऐसे ही है। तो यहाँ पर भोजन शुरू हो चुका है भंडारे का। और यहाँ पर गांव के जो कार्यकर्ता लोग हैं वो यहाँ पर भोजन देते हुए माताओं को बहनों को। यह हमारी आरोही बड़ी प्यारी है, पिच्ची कर दो पहले की तरह। वो बैठने बूटने के भी है यहाँ पे कुछ। बहुत लेंथी होगी बेटा, तो ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई, हो गया, हो गया बस। हाय कर दो। तो ऑफिस में आएगी पर। बोलो मेरा नाम आरोही है और मैं क्लास कितने में पढ़ती हूँ। तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस भंडारे से। अब प्लान है जाने का जुबिन नौटियाल के घर, गांव उनका देखने का। और ये मेरी पूरी टीम जाती हुई नीचे को, टीम में मेंबर और बढ़ चुके हैं जाते ज़्यादा टाइम। जेडी भाई अपने बेटा कहाँ है जुबिन भैया का गांव कहाँ है? उधर है। आप भी जाइए उसी गांव से हो। आओ फिर आओ, गाना गा दो जुबिन भैया का। एक आते हैं, गाँव आते हैं। कहाँ है उसका घर? क्यारी कहाँ है? जिसके चाचा है वो इधर आओ। चलो गांव में मिलो बेटा, आ जाओ। गांव ज्यादा दूर तो नहीं आपका? कितना दूर है यहाँ से? आओ फिर आओ। आ चुके हैं हम बॉलीवुड के बहुत ही फेमस सिंगर नौटियाल, जुबिन नौटियाल जी के घर। और ये सामने जो छत दिख रही है लाल लाल, यही है ना घर। और मतलब ये गाँव है। और ये है भुट्टे लगे हुए मक्के के पे खेत, बड़े ही प्यारे। ये है गांव। तो आखिरकार उतर ही चुके हैं गाड़ी से गांव में जाने के लिए। ये कंप्लीट व्यूज देखे आप पीछे के। कौन सा वाला होगा छोटे गाइड जो बताएंगे कि कौन सा घर है? अच्छा, थैंक यू बेटा। तो फाइनली में पता चल चुका है ये वाला घर है नौटियाल जी का, बहुत ही सुंदर घर। यह हमें अभी इस वक्त हम क्यारी गांव में, जौनसार में गांव पड़ता है क्यारी, नैनबाग से 6 किलोमीटर दूर। तो यह है बड़ा ही सुंदर घर हमारे बहुत ही चहेते बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल जी का। अब चलते हैं यहाँ से, यहाँ से कंप्लीट व्यू ये। नरेश भाई कैसे हो? बढ़िया एकदम। भाई बढ़िया बढ़िया।